आज का जो मैच है बीबीएल में सिडनी थंडर वुमेन एंड ब्रिस्बेन हिट वुमेन के बीच होने वाला है, जिसमें सिडनी थंडर का प्लेइंग 11 हिटमैन बेन मॉन, लेस्ली जॉनसन, हीदर नाइट, आर्चर्स, पिचफील्ड, डेलिंगटन, विल्सन, स्मिथ, बेट्स और स्माइल होंगे। वही ब्रिस्बेन हिट की तरफ से मैडी ग्रीन, रेडमैन, जॉनसन, जी हैरिस, एल हैरिस, ए के एच एम हिंडी, एंड एच कैम्पॉक होंगे। अभी तक जितना भी देखा गया है मैच में, हीदर नाइट बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रही है, यानी कि स्टार्टिंग में एक दो विकेट गिर जाने के बाद हीदर नाइट बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रही है। और एस जे जॉनसन जो ऑलराउंडर है, ये भी बहुत बैटिंग बहुत अच्छा करती है, विकेट भी लेती है। और आर यांस टीम के कैप्टन, ये भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। बॉलिंग में देखा जाए तो एस स्मैल जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, जो फास्ट बॉलर है, स्टार्टिंग में ही 3 ओवर फेंकती हैं, बहुत ही कम किफायती रन देती हैं, कभी कभी 1 या 2 विकेट ले लेती हैं। सुजी विट्स भी विकेट लेती हैं, एल एस स्मिथ भी विकेट लेती हैं। उनका जो विकेट कीपर है जो बहुत नीचे आता है, हम लोग को जब एक विकेट कीपर चुनना होगा तो मैं रेडमैन को चुनूंगा, जो स्टार्टिंग में ओपनिंग मारती है, ठीक है कभी रन मारती है कभी रन नहीं मारती है, लेकिन कभी उनको बैटिंग करने का तो मौका मिलता है, इनको तो सिर्फ कैच अगर पकड़ती हैं तब भी होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इधर से देखा जाए तो जो जॉनसन जो है कैप्टन है लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। अगर 1-2 विकेट गिर जाता है तो पिछले मैच में जी हैरिस ने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया था। और बॉलिंग में भी इनका ठीक ठाक रहता है, डी के मिंची, एम हिंडले और ए के लेती हैं। मेरे ख्याल से जो मैं आज ब्रिस्बेन हिट्स और सिडनी थंडर वुमेन का जो टीम बनाऊंगा, तो मैंने इधर देखिए मैंने 2-3 कैप्टन बनाया, 2-3 वाइस कैप्टन बनाया, एक ही टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने चेंज कर दिया, जिसमें मैंने सी रेडमी और टी बेनमॉन्ट को लिया हूँ। बेनमॉन्ट और रेडमी जो ओपनिंग करने आती हैं, दोनों अलग अलग टीम से। मैंने सिडनी के मैच में जो होता है, सिडनी में जो पानी ज़्यादा पड़ता है, कभी कभी 20 ओवर का गेम भी नहीं हो पाता, 10 ओवर 5 ओवर का गेम होता है, तो उसमें स्टार्टिंग ओपनर का बहुत ही महत्व है। इसलिए मैंने दोनों को रखा हूँ, रेडमी को भी रखा हूँ, टीम एनमोन को भी रखा हूँ और एक और ओपनर मैक एन ग्रीन को भी रखा हूँ, क्योंकि कम पॉइंट में हम लोग को 100 पॉइंट्स में ही बनाना रहता है। तो ये मैंने एक टीम भी बना चुका। हीदर नाइट फर्स्ट डाउन उतरती हैं, बहुत ही फर्स्ट सेकेंड डाउन उतरती हैं, बहुत अच्छा बैटिंग करती हैं। जी हैरिस को रखा हूँ, ये पिछले मैच में मारा, जी हैरिस को बैटिंग करने का मौका मिल जाता है, कभी हीदर नाइट कभी कभी विकेट भी ले लेती हैं, कभी कभी 1 ओवर करती हैं अपने टीम के लिए। जे जॉनसन जो है ऑलराउंडर हैं, इनको भी मैंने रखा है, एस जो जॉनसन को भी रखा है मैंने ऑलराउंडर के रूप में। डी के मैच है एस बेट्स और लिजा स्मिथ, ये मैंने बॉलर के रूप में रखा है, कम पॉइंट में टोटल 100 पॉइंट्स में मैंने टीम बन गया, उसमें पॉइंट बहुत पैसा बच भी गया है। इसमें मैंने हीदर नाइट को कैप्टन रखा है, एक में हीदर नाइट को कैप्टन रखा है, जिसमें वाइस कैप्टन जो है जे जॉनसन होंगे। एक मैच में मैंने रखा है जी हैरिस को और एस जो जॉनसन को, जिसमें एस जे जॉनसन को कैप्टन बनाया है, जी हैरिस को वाइस कैप्टन। एस जे जॉनसन को मैंने कैप्टन बनाने का रीज़न क्या है, कि फर्स्ट राउंड बैटिंग करने भी उतरती हैं और मिडिल ओवर में विकेट भी लेती हैं, ये ऑलराउंडर हैं, विकेट भी लेती हैं, कैच पकड़ती हैं, बहुत अच्छा फील्डर भी हैं। इसलिए मैंने कैप्टन को एस जॉनसन को रखा है और जी हैरिस में एक को वाइस कैप्टन बनाया। एक मैंने जे जॉनसन को कैप्टन बनाया है, एस जॉनसन को वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि जे जॉनसन जो है फर्स्ट डाउन में उतरती है और जॉनसन जो है इधर भी फर्स्ट डाउन से उतरती है, कैप्टन भी है और ये जो है बॉलिंग भी करती है, ये भी बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर के रूप में आते हैं। इसलिए मैंने ये दोनों को रखा है और एक मैच में हीदर नाइट और जे जॉनसन को मैंने वाइस कैप्टन रखा है। इसमें एक बॉलर को भी आप पिक कर सकते हैं जो कैप्टन या वाइस कैप्टन रूप में, लेकिन मेरे ख्याल से ये टीम बहुत ही सुपर है। इसमें हो सकता है कि नंबर 1 टीम लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, नंबर 1 आ जाए, 1-2 बार आ चुका है मेरा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।